सभी का YouTube चैनल में मोस्ट वेलकम। सभी लोग जानते हैं पहले से कि हमारे बायोलॉजी के इंग्लिश मीडियम में 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। उनकी कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में सॉल्व करेंगे जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले हम 3rd चैप्टर के एक टॉपिक है जिसका नाम है पोलिनेशन। मेरे चैप्टर का नाम तो पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो, इस टाइप से काफी बड़ा नेम है चैप्टर का। बट इससे पहले हम बात कर लें कि इसके अंदर क्या है बेटा, पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इस टाइप से देखिए बेटा, पोलिनेशन इज ए डेफिनेशन है। पोलिनेशन के अंदर हम पहले बात करेंगे कि पोलिनेशन होता है क्या है। इससे पहले आपने लास्ट चैप्टर में देखा था, लास्ट चैप्टर में जब टॉपिक हुआ था उसमें एक तो हमारे पास थे मेल गैमेट्स। मेल गैमेट, सेकेंड इज फीमेल गैमेट। दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। मींस मेल गैमेट में जब हमारा लास्ट प्रोडक्ट था, हमने बोला था कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। क्या होगा बेटा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा जबकि फीमेल गैमेट में एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा और इन सभी के बारे में क्या बनेगा बेटा, ये आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होने से क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी और उसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। मींस नॉर्मली आप जानते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट का फ्यूजन होता है, पहले गैमेट बनते हैं फिर गैमेट का फ्यूजन होता है। ये प्रोसेस होती है नॉर्मली रिप्रोडक्शन में। बट हमारे पास यहाँ टॉपिक पोलिनेशन है, वो क्या होता है बेटा कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट बन चुके हैं। अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ट्रांसफर होके एक दूसरे के पास में आएंगे। ट्रांसफर में क्या होगा बेटा, पोलन ग्रेन होगा। इस मेल गैमेट ट्रांसफर होके फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। देखिए बेटा, पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा। अब वो सेम प्लांट का भी हो सकता है, डिफरेंट प्लांट का भी हो सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, पोलिनेशन। रिपीट कर रहा हूं, द पोलिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर क्या होगा बेटा, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कहां पे होते हैं, आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, एंथर में प्रोड्यूस होते हैं और वो ट्रांसफर होके कहां जाएंगे, जो कार्पल का एपिकल टर्मिनल पार्ट जो होता है उसका नाम रहता है बेटा स्टिग्मा। स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का नाम होगा पोलिनेशन। तो पोलिनेशन की डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। सेकेंड टाइप में हम बात करते हैं कि पोलिनेशन डिफरेंट टाइप के फैक्टर से भी हो सकता है, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एयर, बाय इंसेक्ट, बाय बैट, बाय बर्ड्स, इस टाइप के अदर फैक्टर्स होते हैं जिनसे पोलिनेशन होगा। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि पोलिनेशन के टाइप किस टाइप से हो सकता है पोलिनेशन। देखिए बेटा, पोलिनेशन को दो टाइप में डिवाइड किया है, दो टाइप है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पोलिनेशन। फर्स्ट इज सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पोलिनेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, नाम से वर्ड से पता लग रहा होगा बेटा, सेल्फ है और यहां वर्ड क्या है, क्रॉस है। तो पहले हम सेल्फ पे डिस्कशन करते हैं। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। अब स्टिग्मा किसकी हो सकती है, एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दो कंडीशन है। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा ही होगा, उसमें पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पोलन ग्रेन सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो, उसी फ्लावर का स्टेमन मीन्स एंथर होगा और उसी फ्लावर की स्टिग्मा होगी, सेम फ्लावर के बीच में ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। या दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है इसी के अंदर,
सेम जो प्लांट है उसके दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में, एक प्लांट है बेटा उस प्लांट के अंदर एक ऊपर वाले पार्ट के अंदर फ्लावर लगा हुआ, एक नीचे वाले। प्लांट बॉडी यानी कि जेनेटिक मटेरियल आर सिमिलर, जिसमें प्लांट बॉडी सिमिलर है तो जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, सिमिलर होगा। इस कंडीशन के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं कहां से, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। बार बार कह रहा हूं सेम प्लांट, क्योंकि डिफरेंट प्लांट में आते ही क्या दूसरा पोलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। तो सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर में हो ट्रांसफर या सेम फ्लावर में हो, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। देखें पोलिनेशन के अंदर दो अलग अलग मेथड्स हैं कि सेम फ्लावर के अंदर हो सकते हैं और उसके अंदर एक कंडीशन ये भी हो सकती है। देखिए डेफिनेशन देखिए बेटा, द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा, सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दोनों ही कंडीशन है। डिफरेंट फ्लावर भी हो सकते हैं, सेम फ्लावर होंगे बट प्लांट क्या होगा, सेम होगा। प्लांट हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम होगा। इस टाइप के पोलिनेशन का नाम रहेगा सेल्फ पोलिनेशन। इस टाइप के पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन को फिर आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा कहां से कहां तक, एंथर से स्टिग्मा तक होगा। अब वो ट्रांसफर होने वाला एंथर और स्टिग्मा में रिलेशन क्या है, एक फ्लावर के हो सकते हैं दोनों और या दो डिफरेंट फ्लावर के हो सकते हैं बट प्लांट क्या होगा, सेम होगा। ये कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन। क्या होगी, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन आर डिवाइड इन टू पार्ट्स। अगेन सेल्फ पोलिनेशन को फिर आगे टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, क्योंकि दो वर्ड आपने लिखे हैं उन्हीं के बेस पे इनको डिवाइड कर दिया है। सेल्फ पोलिनेशन को अगेन डिवाइड इन टू टाइप्स, फर्स्ट इज ऑटोगैमी एंड सेकेंड इज जेंटोगैमी। फर्स्ट इज ऑटोगैमी एंड सेकेंड इज जेंटोगैमी। फर्स्ट इज ऑटोगैमी, देखिए बेटा ऑटोगैमी में अभी जो कंडीशन लिखी थी वो वाली है। अब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में होगी, तब कंडीशन क्या होगी बेटा, ऑटोगैमी। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर आपने देखा बेटा सेम फ्लावर और सेम प्लांट दो पॉसिबिलिटी थी। अब यहां कंडीशन यही है, यदि सेम फ्लावर में होगा उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। एंड सेकेंड इज जेनेटोगैमी। जेनेटोगैमी के अंदर क्या होगा बेटा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी। एंड सेकेंड इज जेनेटोगैमी, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड जेनेटोगैमी। दोनों के अंदर डिफरेंस देख लें, यहां कंडीशंस ये रहेगी कि फ्लावर का जो प्लांट है वो सेम रहेगा, बट यहाँ प्लांट तो सेम होगा ही होगा क्योंकि प्लांट के साथ साथ फ्लावर भी सेम होता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोगैमी। और जहां कंडीशन आ जाती है फ्लावर डिफरेंट हो बट प्लांट सेम हो, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटोगैमी। एग्जांपल देखें, पी प्लांट क्या होगा बेटा, पी प्लांट, ये मोस्टली क्लोज टाइप के जो फ्लावर होते हैं उनमें ऐसा होता है। तो बेटा पी प्लांट के अंदर क्या होगा, इसी टाइप से होगा कि जहां पर देखिए बेटा एडेप्टेशन वाला टॉपिक था अभी हमने जो किया है पोलिनेशन। पोलिनेशन के अंदर सेल्फ पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन के अंदर देखिए एडेप्टेशन, देखिए क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या क्या फ्लावर में कंडीशंस होती है या कौन से प्लांट्स में ऐसा होता है कि जिसमें सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल हो सकता है, उसके लिए जो टॉपिक आता है ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बेटा, अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन, कि सेल्फ पोलिनेशन के लिए कौन कौन से अडेप्टेशन हो सकते हैं,
कौन सी कंडीशंस के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल हो सकता है। देखिए बेटा इसी के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर आता है बेटा बाईसेक्सुअलिटी। बाईसेक्सुअलिटी के अंदर क्या आएगा, ऐसे प्लांट जिनके अंदर मेल और फीमेल बोथ प्रेजेंट होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअलिटी। मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन उन्हीं फ्लावर में पॉसिबल होगा जिसमें मेल और फीमेल बोथ प्रेजेंट होंगे, उन्हीं फ्लावर्स में क्या हो सकता है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो पॉसिबल हो सकती है, वरना इनमें से एक एब्सेंट होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बाईसेक्सुअलिटी का मीन्स होता है ऐसे फ्लावर्स, फर्स्ट जो सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है बेटा, बाईसेक्सुअलिटी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन उसी में पॉसिबल होगा जिसमें पोलन ग्रेन्स भी होंगे और सिग्मा मीन्स ओव्यूल भी होंगे, बोथ प्रेजेंट होंगे, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअलिटी। और बाईसेक्सुअलिटी का एग्जांपल देखिए बहुत सारे फ्लावर हैं जिनमें बाईसेक्सुअलिटी पॉसिबल होती है। सबसे कॉमन एग्जांपल जिसके अंदर हम पढ़ते हैं बेटा पी, मटर जो होता है उसका फ्लावर क्लोज टाइप का रहता है और उसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये अकेला ये नहीं है, बहुत सारे हैं। तो पूरे का मैं जो फ्लावर देखा था आप लोगों को दिखाया गया था उसमें भी मेल और फीमेल बोथ पार्ट प्रेजेंट थे। तो ऐसी कंडीशंस जहां पर मेल और फीमेल बोथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअलिटी। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हम देखें बेटा होमोगेमी। अब बाईसेक्सुअलिटी से ही रिलेटेड है होमोगेमी। होमोगेमी का मीन्स होता है, गेमी का मतलब होता है गैमेट, होमो का मतलब होता है सेम टाइम। मीन्स ऐसे फ्लावर जिनके गैमेट्स मीन्स पोलन ग्रेन्स एंड एग सेल, जो गैमेट्स है एग सेल के फॉर्म में, जो ओवम के ओव्यूल जो है ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल के अंदर एग सेल थी और हमने एंथर के अंदर देखा बेटा पोलन ग्रेन्स था, दोनों का मैच्योरेशन टाइम इक्वल होता है, सेम होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोगेमी। यानी जिस टाइम मेल गैमेट्स प्रिपेयर होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए उसी टाइम फीमेल गैमेट्स प्रिपेयर होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, होमोगेमी। यानी कि मैच्योरेशन टाइमिंग ऑफ द गैमेट्स ऑफ बोथ आर इक्वल, दोनों के जो मैच्योरेशन पीरियड है मैच्योरेशन टाइमिंग है वो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम टाइम पर मैच्योर होंगे, ऐसी कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है सेल्फ पोलिनेशन। यानी सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या होगा, दोनों जो गैमेट्स होते हैं वो इक्वल टाइम में प्रिपेयर होना कंपलसरी है, दोनों इक्वल टाइम में प्रिपेयर होंगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों गैमेट जो पोलिनेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, होमोगेमी। मिराबिलिस जलापा प्लांट्स का नाम है बेटा, बहुत सारे प्लांट है, हमने एग्जाम्पल लिया है जो हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, 11th में भी आपने देखा था एग्जाम्पल मिराबिलिस का, तो मिराबिलिस इसका एग्जाम्पल है। देखिए बेटा नेक्स्ट और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लेस्ट्रोगेमी। क्लेस्ट्रोगेमी क्या कंडीशन है बेटा, एक कंडीशन का नाम है जिसमें फ्लावर हमेशा, पहली कंडीशन तो बाइसेक्सुअल होगा, पहली कंडीशन तो क्या होगी बेटा क्लेस्ट्रोगेमी के अंदर, फर्स्ट कंडीशन इट इज बाइसेक्सुअल, पहली कंडीशन तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। एंड सेकंड इज, सेकंड कंडीशन ये रहेगी बेटा कि इसके फ्लावर हमेशा क्लोज रहते हैं, मींस बड की फॉर्म में रहते हैं, ओपन नहीं होते, ओपन नहीं होते, तो इस कंडीशन में बाहर से पोलन ग्रेन अंदर नहीं आ सकते, अंदर के पोलन ग्रेन बाहर नहीं जा सकते, तो वहां एक ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, सेल्फ पोलिनेशन। द्वारा देख ले बेटा सेल्फ पोलिनेशन कौन कौन सी कंडीशन में होता है, तो पहली कंडीशन क्या है, बाईसेक्सुअलिटी, यानी उसमें गैमेट बोथ होंगे, दोनों गैमेट्स होंगे तभी पॉसिबल है बाईसेक्सुअल, वरना मान लो कि ओनली पोलन ग्रेन्स होंगे या ओनली एग सेल होगी वहां पर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, बाईसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा, होमोगेमी, यानी कि गैमेट्स तो दो हो पर दोनों का मैच्योरेशन पीरियड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिस टाइम पोलन ग्रेन्स प्रिपेयर होते हैं मैच्योर होते हैं किसके लिए बेटा,
पोलिनेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए उसी टाइम फीमेल गैमेट भी मैच्योर होना चाहिए, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं होमोगैमी। तो इसके अंदर एग्जांपल आता है मिराबिलिस। तीसरा था बेटा क्लेस्ट्रोगैमी। क्लेस्ट्रोगैमी का यूज होता है टाइप ऐसे फ्लावर आते हैं बेटा, ऐसे प्लांट स्पीसीज के फ्लावर आएंगे जिनके अंदर फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा। फ्लावर कैसा होगा बेटा, बाइसेक्सुअल होगा और उसके साथ साथ ओपन नहीं होते, वो ओपन भी नहीं होते, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लेस्ट्रोगैमी। उसको हम क्या बोलेंगे, क्लेस्ट्रोगैमी। एग्जांपल देख लो बेटा, वोलियला जो है वो है, कैमलेला जो इसके एग्जांपल आते हैं, दो ऐसे फ्लावर हैं जो हमेशा क्लोज रहते हैं, कभी ओपन नहीं होते, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्लेस्ट्रोगैमी। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, पोलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। अब उसके अंदर हमने कहा था भी वो ट्रांसफर जो होगा वो सेम फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, या सेकंड कंडीशन जिसको हमने जेनेटोगेमी बोला था उसमें फ्लावर डिफरेंट हो सकता है बट प्लांट सेम होगा, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जेनेटोगेमी। दो कंडीशन है। अब सेल पोलिनेशन के लिए क्या अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन बाइसेक्सुअलिटी है, अडेप्टेशन होमोगेमी है, अडेप्टेशन के अंदर क्लेस्ट्रोगैमी आता है, तीनों अडेप्टेशन है। इन अडेप्टेशन में क्या होगा बेटा, सेल्फ पोलिनेशन ही पॉसिबल हो पाएगा। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो कौन सा बेटा, क्रॉस पोलिनेशन, या इसी को बोलते हैं बेटा जेनोगैमी। क्या नाम है इसका बेटा, जेनोगैमी है इसका नाम, जेनोगैमी। सेकेंड टाइप, पहला आपने ऑटोगैमी, जेनेटोगैमी और थर्ड है जेनोगैमी। दूसरे थर्ड क्या आ गया बेटा, जेनोगैमी। अब देखिए बेटा क्रॉस पोलिनेशन, पोलिनेशन की डेफिनेशन तो वो ही रहने वाली है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। पहले में ऑटो के अंदर आपने देखा कि प्लांट भी सेम, फ्लावर भी सेम। दूसरे के अंदर देखा बेटा जेंटो के अंदर आपने कि वहां फ्लावर डिफरेंट बट प्लांट सेम। तीसरी कंडीशन क्या आ गई बेटा, फ्लावर भी डिफरेंट और प्लांट भी डिफरेंट बट स्पीसीज क्या होगी, सेम होगी। स्पीसीज क्या होगी बेटा, सेम होगी। ऐसे नहीं मस्टर्ड के अंदर मैंगो में चले जाएंगे, मस्टर्ड के पोलन ग्रेन मस्टर्ड के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे, ऐसी कंडीशनों की स्पीसीज सेम रहेगी, उसको हम बोलते हैं बेटा क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि यहाँ कंडीशन एक नया वर्ड है, डिफरेंट प्लांट, फ्लावर तो डिफरेंट जेनेटोगैमी में भी थे बट यहाँ फ्लावर भी डिफरेंट हो गए, एक प्लांट यह है दूसरा प्लांट दूसरी जगह है, तो उस जगह जो ट्रांसफर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, या इसी को बोलते हैं जेनोगैमी। जेनोगैमी के अंदर देखें बेटा, याद रहने का सीधा, एक्स क्रॉस है, एक्स क्रॉस कितना ही आता है, क्रॉस होता है एक दूसरे अल्टरनेट जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जेनोगैमी। तो ये किससे होगा बेटा, ये लगभग किसी न किसी फैक्टर से, एजेंट से होता है, बाय वाटर, बाय विंड, बाय इंसेक्ट, बाय बर्ड, बाय बैट, किसी भी टाइप के एनिमल से हो सकता है। इस टाइप से अलग अलग टाइप के एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कि उनमें अलग अलग टाइप के वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जिस टाइप से अभी आपने टॉपिक पढ़ा बेटा, कौन सी अडेप्टेशन होती हैं जिनमें सेल पोलिनेशन पॉसिबल होता है, उसी टाइप से हमारे पास कुछ अडेप्टेशन किसकी है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन की। कुछ प्लांट ऐसे हैं, ऐसे अडेप्टेशन हैं फ्लावर में, उन क्रॉस पोलिनेशन के जेनोगैमी के अडेप्टेशन देखें। अडेप्टेशन में फर्स्ट अडेप्टेशन देखें, क्योंकि अडेप्टेशन होंगे उसी के बेस पे क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। और उसमें सबसे पहला अडेप्टेशन कौन सा है बेटा, सेल्फ फर्टिलिटी। सेल्फ फर्टिलिटी का मीन्स क्या होता है कि प्लांट जो होंगे उसमें से एक गैमेट मीन्स या तो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, ऑर्गन तो होंगे उसमें, स्टेमन तो होगा बट उसके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं कि एग सेल होती है वो क्या होती है, अनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ फर्टिलिटी। ऐसी कंडीशन में जब पोलन ग्रेन्स होते हैं अदर प्लांट के ट्रांसफर होने की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरे पोलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी,
अब दूसरे प्लांट की बात आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। मीन्स इस टाइप का जो पोलिनेशन है उसमें अदर प्लांट से पोलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट रही, सेल्फ पोलन ग्रेन होते हैं वो अनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ फर्टिलिटी। अब इसी के साथ साथ एग्जाम्पल इसका पोटेटो है, इसी के अंदर आता है बेटा यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मीन्स होता है ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर मेल और फीमेल मीन्स एंड्रोसियम और गाइनोसियम, या तो उसमें क्या प्रेजेंट हो बेटा, स्टेमन प्रेजेंट होगा या क्या प्रेजेंट होगी, पिस्टल प्रेजेंट होगी। स्टेमन और पिस्टल दोनों में से एक चीज प्रेजेंट होगी, अब इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। यूनिसेक्सुअल आपने 11th क्लास में पढ़ा था, स्टेमनेट फ्लावर बोलते हैं जिसमें ओनली मेल प्रेजेंट होता है और एक जिसमें ओनली फीमेल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पिस्टलेट फ्लावर। तो इसके बेस पे क्या हो गया बेटा, यूनिसेक्सुअलिटी प्रेजेंट होगी। यूनिसेक्सुअलिटी या तो मेल प्रेजेंट होगा या क्या होगा, फीमेल प्रेजेंट होगा। यदि स्टेमन प्रेजेंट है तो उस फ्लावर का नाम होगा स्टेमनेट, और यदि उसमें पिस्टल प्रेजेंट है तो उसका नाम होगा पिस्टलेट। उसी के बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा टाइपोगेमी, तीसरी कंडीशन। तो यहाँ दोनों कंडीशन में क्या होगा बेटा, किसी एक गैमेट जो होता है वो दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होके पोलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। अब ट्रांसफर किसका होता है, पोलन ग्रेन का होता है। मीन्स जिस फ्लावर में स्टेमलेट फ्लावर होंगे उसके पोलन ग्रेन पिस्टलेट फ्लावर की तरफ ट्रांसफर होंगे, तो दो प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दो प्लांट जहां होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट नंबर पे डाइकोगेमी। डाइकोगेमी के अंदर पहले हमने होमोगेमी पढ़ा था बेटा ऊपर वाले सेल पोलिनेशन के अंदर। तो उसके अंदर देखिए आप कि जहां पर दो प्लांट के जो गैमेट्स होते हैं उनका मैच्युरेशन पीरियड का क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। मैच्युरेशन पीरियड क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। जिसके अंदर ये कंडीशन ये रहेगी, यदि एंड्रोसियम टाइम गाइनोसियम से पहले मैच्योर हो जाते हैं, मींस पोलन ग्रेन्स एग सेल से पहले मैच्योर हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोएंड्री। क्या बोलेंगे उसको बेटा, प्रोटोएंड्री कंडीशन बोलेंगे, जिसमें एंड्रोसियम गाइनोसियम से पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा प्रोटोएंड्री। सेकेंड नंबर पे हमारे आता है बेटा प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी के अंदर क्या होता है बेटा, जो गाइनोसियम है वो एंड्रोसियम से पहले प्रिपेयर होता है, मींस एग सेल जो होती है वो मैच्योर है, वो टाइम से एंड्रोसियम से पहले मैच्योर हो जाती है। ऐसी कंडीशन में इन के अंदर जो सेम पोलन ग्रेन सब वो उसको पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, अदर प्लांट के जो पोलर ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होंगे। जब अदर प्लांट की बात आएगी तो कंडीशन कौन सी लग जाएगी, क्रॉस पोलिनेशन। अब प्रोटो एंड्री का मीन्स होता है, प्रोटो का मतलब पहले है, एंड्री का मतलब एंड्रोसियम, एंड्रोसियम पहले प्रिपेयर होते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री के अंदर एंड्रोसियम टाइम से पहले प्रिपेयर हो जाते हैं, मींस गाइनोसियम से पहले प्रिपेयर हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोटो एंड्री। एग्जांपल आता है बेटा सनफ्लावर, क्या आएगा, सनफ्लावर। दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी के अंदर क्या होगा बेटा, ऐसे फ्लावर जिसका फीमेल पार्ट मींस गाइनोसियम एंड्रोसियम से पहले अपने गैमेट मैच्योर कर लेता है, मींस एग सेल एंड्रोसियम मींस पोलर ग्रेन से पहले मैच्योर हो जाती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा प्रोटोगाइनी। क्या बोलेंगे इसको बेटा, प्रोटोगाइनी। और प्रोटोगाइनी के अंदर क्या हो गया बेटा, गाइनोसियम पहले प्रिपेयर हो जाता है। अब बेटा इसी के अंदर आगे देखें आप हर्कोगेमी। हर्कोगेमी के अंदर क्या होगा बेटा, ऐसे प्लांट्स यानी ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मींस एंड्रोसियम मींस स्टेमन और गाइनोसियम के बीच में कुछ बैरियर्स होते हैं, क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, कुछ बैरियर्स प्रेजेंट होंगे। इन बैरियर्स के कारण से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, और नहीं पहुंच पाएंगे तो जो सेल्फ पोलिनेशन है वो नहीं होगा। अब जब सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में उस फ्लावर को अदर प्लांट के पोलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट रहेगी। जब अदर प्लांट के पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होंगे तो वहां कंडीशन क्या होगी बेटा, क्रॉस पोलिनेशन।
क्रॉस पोलिनेशन वहां होगा जहां सेल्फ पॉसिबल नहीं होता, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन लिया जाता है क्रॉस पोलिनेशन। जब यहां बीच में हर्पोगेमी हमने पढ़ा बैरियर आ गए तो सेम फ्लावर वाले तो ट्रांसफर हो नहीं सकते, ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, अदर प्लांट के पोलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अदर प्लांट की रिक्वायरमेंट रहेगी इस कंडीशन से तो वो किसमें आ जाएगा बेटा, क्रॉस पोलिनेशन में। एक और है हमारे पास में हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल का मीन्स होता है ऐसे प्लांट, देखे बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो स्टिग्मा, और स्टिग्मा की बात करें तो स्टाइल जो होता है वो काफी लेंथी होता है स्टाइल पार्ट, और उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं स्टेमन, स्टेमन के अंदर जो फिलामेंट पार्ट होता है उसका साइज क्या होता है बेटा, शॉर्ट होता है। शॉर्ट साइज होने के कारण से इसके पोलन ग्रेन इस पे ट्रांसफर नहीं हो सकते, यानी कि ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर पोलिनेशन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होने पर क्या होगा बेटा, यहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी पोलन ग्रेन्स की फ्रॉम अदर प्लांट, यानी अदर प्लांट से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे। जब अदर प्लांट से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रोस्टाइल। अब अदर प्लांट की बात आ गई तो पोलिनेशन कौन सा हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। क्या हो गया बेटा, क्रॉस पोलिनेशन। तो ये हमारे कुछ अडेप्टेशंस हैं। अडेप्टेशन में सेल्फ फर्टिलिटी है, पोटेटो के अंदर है, यूनिसेक्सुअलिटी है, उसके बाद में यूनिसेक्सुअलिटी में सिंगल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, इसमें दोनों प्रेजेंट होंगे पर रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी किसी एक में होगी। डाइकोगेमी, मैच्योरेशन पीरियड ऑफ द गैमेट्स आर डिफरेंट डिफरेंट, फ्लावर के जो पार्ट है उनके अंदर मैच्योरेशन टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट होगी। हर्पोगेमी के अंदर क्या होगा बेटा, जो नेचुरल टाइप से एक बैरियर प्रेजेंट होगा और उस बैरियर के कारण से जो गैमेट्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। और उसी के अंदर आता बेटा हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल के अंदर क्या होगा, जो पोलर ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि हेट्रोस्टाइल में स्टाइल की लेंथ काफी लंबी होती है जिसके कारण से ये पोलन ग्रेन वहां ट्रांसफर नहीं होते, और ट्रांसफर नहीं होने के कारण से उनको रिक्वायरमेंट होगी अदर प्लांट से पोलन ग्रेन्स की। तो यहां जब अदर प्लांट की बात आएगी तो वहां कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। यहां तक हमारा पोलिनेशन का जो टॉपिक है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। इसमें जो क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन 2018 में आई थी, इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, 2018 में आया था क्वेश्चन। और उसके बाद में अडेप्टेशन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अडेप्टेशन किस किस के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं उनके एग्जांपल्स देख लेना। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा उसमें ये रहेगा कि पोलिनेशन किस से होता है, कौन सा क्रॉस पोलिनेशन, कौन कौन से एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है आप लोग जानते हैं, वाटर से होता है, विंड से होता है, इंसेक्ट से होता है, बर्ड से होता है, बैट से होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है, उनके बेस पे उनके फ्लावर के सिम्टम्स करेक्टर कैसे होंगे, कौन कौन से उनके स्पेशल करेक्टर प्रेजेंट होंगे, उनको हम अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करेंगे। तो यहां तक आपका ये टॉपिक पोलिनेशन का कंप्लीट हो गया।